आज 2 जून है और इसी दिन एक कहावत काफी इस्तेमाल की जाती है, वो है 2 जून की रोटी। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी जोक्स बनाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर आज भी 2 जोक्स काफी वायरल हो रहे हैं। एक, आज रोटी खाना बहुत जरूरी है क्योंकि 2 जून की रोटी नसीब वालों को ही मिलती है। वहीं दूसरा जोक्स, 2 जून की रोटी मुश्किल और खुश नसीबों को ही मिलती है। वायरल कहावत का क्या मतलब है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल 2 जून की रोटी एक कहावत है और इसका मतलब दो वक्त के खाने से होता है। अवधी भाषा में जून का मतलब वक्त अर्थात समय से होता है, इसलिए पहले लोग इस कहावत का इस्तेमाल दो वक्त यानी सुबह शाम के खाने को लेकर करते हैं। इससे उनका मानना था कि गरीबों में दो वक्त का खाना भी मिल जाए तो वो काफी होता है। आज भी माता पिता अपने बच्चों को अन्न का अनादर न करने के लिए इस कहावत का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को खाने को बर्बाद न करने से रोकने के लिए कहा जाता है कि आजकल लोगों को 2 जून की रोटी ही मिल जाए तो बड़ी बात होती है और कुछ लोग खाना बर्बाद कर रहे हैं। ज्यादातर उत्तर भारत में इस कहावत का इस्तेमाल किया जाता है। सरकारें कई दशकों से गरीबी हटाने की योजनाएं लेकर आ रही है, मगर आज भी लाखों लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिन्हें 2 जून की रोटी नसीब नहीं है। साल 2017 में आए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार देश में 19 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध नहीं है। हालांकि कोरोना महामारी के समय से ही गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे लोगों को सरकार मुफ्त राशन मुहैया करा रही है ताकि उनका पेट भरने की मौलिक जरूरत पूरी हो सके। आप देख रहे हैं खबरों का अड्डा और मैं आपके साथ अंजू गुप्ता।